Assalamu alaikum friends, I am Sheroz Shoaib Abbasi and you are watching the Knowledge Channel. Friends, today I am going to talk about a special person. That is a special person that we have introduced. That is a special person, Shahid Allah Bakhsh Sumro. So friends, today I am Shahid Allah Bakhsh Sumro ji puri biography janindasi. So video start karna ka pehle mujhe naya alan doston ke ya guzarish hai ta mujhe YouTube channel subscribe kare chalen. So Shahid Allah Bakhsh Sumro, Allah Bakhsh Sumro punjiya sudare uttar sindh je mashhoor shahar Shikarpur mein jao ke zamane mein hi shahar hai ilm narai vapar mein desan des mashhoor Allah Bakhsh Sumro pehle abani shahar mein sindhi angrezi farsi hai arbi ke talim varti मेट्रिक पास करने का पूरे तैलीम चले वो पंजे पीस आंगर ठीके दारी हैं ज़मीन दारी हैं जी कम गाना लगो अच्छा चले अल्लाह बख्श सुमरो पंजे पढ़ाई चले मतलब इन्हें मेट्रिक आया ते हैं दोरा में इन्हें मेट्रिक करे पंजे पढ़ाई आगे उते ख़तम करे इन्हें पंजे पीस आ ज़मीन दारी आई यो ठीके दारी यो कम शुरू करो मतलब एतरो तो होनारो आई एतरो तो सुलझालो जो इन्हें जी पढ़ाई जिया ख़तम थी तो इन्हें लाइफ में क्या भी एन्जॉयमेंट लग हुई इन्हें पढ़ाई कहाँ पोब मतलब तो पहने फ्यूचर जो सोचो आई पहने कारोबार में पहने पी के हथवंड रहे वो पहन संदर्भ सुठे सुबह जी करे अंग्रेज इंजीनियर के स्टार डोबाई ना तो सोसान जो सिंधी जी को शहीद अल्लाह बख्श सुमरो उनके अंग्रेज़ हो भाई ना उतना जो जिक अंग्रेज़ ऑफिसर हों ना वो उनके तमाम गने रेस्पेक्ट नहीं ना जो जो उन्हें जो किरदार वो एक सुलझल मानु हो वो एक इज्जतार मानु हो जिन्हें करें ना कि अंग्रेज़ ऑफिसर भाई ना पान सच्ची मुर्सो बाकी देश हैं सच्ची में हो मोताजन बीमारन यतीमन बेवा और तो नहीं शागर्द नहीं इल्मी इदारन जी वधे दिल सा मदद करो मतलब तो हर इल्मी इदारे जी पानी दिल सा मदद करो मतलब जैसो इल्मी इदारो के स्कूल के डोनेशन यान के बेवा जी जिंदगी दुखी गुजरी रही है उनके सकवात नहीं तो सो ये तमाम बेहतरीन सिंध जो पटो उन्हें मैं सुनता थी संदेश नालों में शोरती हो ना जो मतलब है ना जे एड़ आला गरदार जे करे शिकारपुर शहर में पूरे शिकारपुर शहर में शहीद अल्लाह बख्श सुमरे जे नाले ही हुकर मची वही वो इत्रो तमाशा हो रही हो जो पूरे संत होने के सुनाना लगी छोटे ये शख्सियत ही एड़ी शहीद अल्लाह बख्श सुमरो एक जवान पुत्र संत जो काउंसिल जो मेंबर चुने हुए उन जमाने में सिंध मुंबई सा गजल हुई पर सिंध के मानु पारा हलचल हलण कर आखिरकार 1936 में सिंध मुंबई का जुदा सुबो थियो अल्लाह बख्श सुमरो सारो वर्षो मुंबई काउंसिल जो मेंबर रहो 1938 ईस्वी में वो सिंध जो वडो वजीर थियो सो 1938 ईस्वी में अल्लाह बख्श सुमरो सिंध जो वडो वजीर थियो वडो वजीर ही तमाना तमा समझो था वधो वजीर चीफ मिनिस्टर के चेबोआ वजीरे आला थे ना कहाँ पोए ना सिंध जे सुधारे लाये कितरा ही कम कया जड़ूक सखर जे वाहन जो इंतजाम सुधारन सिंध सुबे जो खर्च घटायन पान घट पगार रखेन आम मानन ते दंड न विजन एसासी मजिस्ट्रेटन के खत्म करन लोकल बोर्ड में थाकल में बरन के खत्म करन सिंध जे मास्टरन जा पगार वधायन बोला ना उबेदुल्ला सिंधी के वापस आनन सिंध में आन सिंध फ्रंटियर रेगुलेशन के खत्म करन वगैरह अच्छा 1939 ईस्वी में सितंबर ए अक्टूबर धारे सिंध में सखर जे मस्जिद मंजिल गाता हिंदू मुस्लिम चिंतान पैदा थी इस कुछ वक्त लाए वजारत ता हटणो पयो अच्छा सखर में मस्जिद बुद्ध यानी मंजिल का नाले मस्जिद ये मस्जिद तमाम मशहूर है ना मस्जिद में काफी मानो घुमाना भी ना है ना मंजिल का है ना तमाम मशहूर मस्जिद आए ना में हिंदू आई मुसलमान जे मतलब जेने तकता तकता रहा है चुनाव जेने लकी चाचू जो काउंसल ताहटनों पे ना क्यों देता हटनों पे हो पर सुधर दी पहले सरबरा
पंहिंजो दीदी रहियो। आज़ादीअ जी हलचल दौरान अप्रैल 1940 में क़ौमपरस्त मुसलमान अॻवाणनि दिल्लीअ में हिकु वॾी कॉन्फ्रेंस कोठाई, जंहिंजी सदारत अला बख़्श सूमरे कई। उन कॉन्फ्रेंस ते आज़ाद कॉन्फ्रेंस जो नालो पियो। हुन में हिंदुस्तान जा समूरा मुस्लमान अॻवाण शरीक थिया। अहिड़ीअ तरह संदसि नालो सॼे हिंदुस्तान में मशहूरु थी वियो। इन कॉन्फ्रेंस जे करे हिन जो नालो पूरे हिंदुस्तान में मशहूरु थी वियो। मतिलबु त हे सिंध जो जवान पुट खे हिंदुस्तान में माण्हू सुञाणण लॻा। हुन बाद अंग्रेज सरकार जे सख़्त रवैये सबबि बरतानवी सरकार खां मिलियल खान बहादुर ऐं ओ बी ई आर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जा लक़ब अंग्रेज वायसराय खे ख़त लिखी वापसि कया। ख़त में ॼाणायई त उहो मुंहिंजो पको राय आहे त असीं आज़ादीअ जो हक़ रखूं था, पर अंग्रेज सरकार जे बयाननि ऐं कारवायुनि मां साबित थी रहियो आहे त उहा हितां जे मुख़ालिफ़ सियासी पार्टी खे पाण में ठहण नथी ॾिए ऐं मुल्क ते पंहिंजो कब्ज़ो क़ाइमु रखणु घुरिजे थी। इंग्लिस्तान जे वज़ीर आज़म जी तकरीर नाउमीदी पैदा कई आहे। उन करे अहिड़ी सरकार जा ॾिनल लक़ब आऊं पाण वटि रखे नथो सघां ऐं वापसि करियां थो। उन ख़त ते अंग्रेज़ सरकार मथसि नाराज़ थी पई ऐं खेसि वज़ारत आला तां हटाए छॾियाऊं। अला बख़्श सूमरे ते हिन ॻाल्हि जो को बि असरु न पियो। पाण हमेशह जा ॾुखे वक़्त में सिंध जे माण्हुनि सां गॾु रहियो ऐं संदसि ख़िदमत करण में का बि कसर न छॾियई। 1930 ईस्वी में सिंध जे किन शहरनि में कालरा जी बीमारीअ मुंहुं कढियो। उन में संदसि कयल ख़िदमतूं विसारण जोॻियूं न आहिनि। उन ई साल सिंध में वॾी ॿोॾि बि आई। हिन पंहिंजो लखनि जो बीठल फसल ॿोड़ाए छॾियो, पर शिकारपुर शहर खे ॿुधण न ॾिनो। अला बख़्श सूमरो हिकु बाअसूद ऐं समाजी तबियत वारो शख़्स हो। सिंध जे वज़ारत आला जे उहिदे ते 4 साल रहियो, पर तॾहिं बि पंहिंजे ग़रीब सियासी रफ़ीक़नि सां बराबरीअ वारा वर्ता रखियाई, एतिरे ताईं जो पाण खे न हथ धोआरे मानी खाराईंदो हो। संदसि सखावत ऐं सूर्याई हर हंधि मशहूरु आहे। हू पंहिंजे मुखालिफ़नि खे प्यार सां पंहिंजो करणु चाहींदो हो। संदसि उहे ॻाल्हियूं सियासी मुखालिफ़नि खे न वणियूं ऐं हुन वजह सां हुननि वज ॾिसी साज़िशूं सचण लॻा। 14 मई 1943 ईस्वीअ ते सुबुह जो सवेर हू शिकारपुर शहर में टांगे ते सवार थी पंहिंजे घर अची रहियो हो त संदसि किन मुखालिफ़नि मथसि पिस्तौल जा सिधा फहिर करे खेसि शहीद करे। उहा ॻाल्हि जंग जे बाहि वांगुरु सॼी दुनिया में, बल्कि सॼी सिंध में पखिड़िजी वई। सॼे शहर में कोहराम मची वियो। माण्हू पुछगारूं ॾेई रोअण लॻा। खेसि आलंद अखियुनि सां पंहिंजे अबाणे कब्रिस्तान शिकारपुर जे ॻोठ 5 पीर में शहीद अला बख़्श सूमरो अॼु असां वटि मौजूदु न आहे, पर संदसि कयल ख़िदमतूं हमेशह यादि रहंदियूं। दोस्तो, इनशाला ताला तव्हां सां ॿीहर मुलाक़ात थींदी हिकु नई बायोग्राफ़ीअ सां गॾु। सो हींअर लाइ मूंखे इजाज़त। ख़ुदा हाफ़िज़ दोस्तो जिते रहो।